यहाँ सुरक्षाकर्मी जब जिसको चाहे कर दे अंधा, और पुलिस के थाने ऐसे जैसे गुंडों का धंधा। गांधी के सपनों की पार्टी कातिल है, हत्यारी है, फिर भी कहते हैं सबसे अच्छी सरकार हमारी है। एमपी की कमलनाथ सरकार पर यह कटाक्ष किया है पूर्व मंत्री बीजेपी नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने। मिश्रा एमपी में बढ़ते अपराधों पर टिप्पणी कर रहे थे। मध्य प्रदेश में अपराध हर दिन बढ़ रहे हैं। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अपराधों को लेकर जमकर बहस भी हुई। सरकारें बदल गई, लेकिन कोई माई का लाल मुख्यमंत्री अपराधों को रोकने में सफल नहीं हो पाया। इस बीच पिछली शिवराज सरकार के मंत्री बीजेपी विधायक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ सरकार की खटिया खड़ी की और एक कविता के जरिए हमला बोला। ये जो आपने कहा अपराध पे, वो वाहवाही लूट रहे हैं और कह रहे हैं मध्य प्रदेश में अच्छा हो रहा है, उसके ऊपर कुछ पंक्ति याद आई थी कि यहाँ सुरक्षा कर्मी जब जिसको चाहे कर दे अंधा, और पुलिस के थाने ऐसे जैसे गुंडों का धंधा। मुठभेड़ों के नाम पे हत्या होती है निर्दोषों की, और चौराहे की मर्यादा है ठोकर में मदहोशों की। यहाँ वर्दियों की बाहों में अबला की चीखें गुम हैं, और गांधी की नैतिकता वाली पार्टी का देखो दम है। गांधी के सपनों की पार्टी कातिल है, हत्यारी है, फिर भी कहते हैं कि सबसे अच्छी सरकार हमारी है। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पैसे लेकर तबादला उद्योग चलाया जा रहा है, ऐसे में जो टीआई पैसा देकर पदस्थ होगा वो कमाई करेगा, ना कि अपराध पर अंकुश लगा पाएगा। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में अपराधियों में पुलिस का भय बचा ही नहीं है और लगातार प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं। ये अलग बात है कि शिवराज सिंह के शासन में भी तमाम किस्म के अपराधों में मध्य प्रदेश नंबर वन था, और तब नरोत्तम मिश्रा ने कोई कविता भी नहीं सुनाई थी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।